बद्रीनाथ सोमनाथ सिटी में जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब घूमने। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से धरती का त्याग किया था। और ये है धूप से बचने का रामबाण इलाका। सो अभी हम लोग आ चुके हैं बाण गंगा शिवलिंग पर। अंदर शंख ढूंढ रहे हैं और ढूंढने के चक्कर में और कुछ ढूंढ। सो अभी हम लोग आ गए हैं गोलोक धाम। यहाँ से बलदेव जी का मंदिर और बलदेव जी की गुफा। औघड़ क्या होता है? सूर्यदेव ने छाया और यहाँ पर तीन नदियों का संगम हो रहा है। ये आ गए हम लोग राम मंदिर में। आप 7 बजे से पहले आते हो तो आपका एंट्री फ्री रहता है। 7 वाली साइकिल इसकी थी, अब मेरी साइकिल छीन के जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं पानी पूरी। अभी टिकट हो गया है बुक और हम जाने वाले हैं द्वारका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आवर न्यू व्लॉग। सोमनाथ के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ना अभी मतलब सोमनाथ में अभी दर्शन हमने कर लिए मंदिर में और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, पूजा वगैरह सब कुछ कर ली है, खाना वाना भी खा लिया है। और अब हम जा रहे हैं पूरा सोमनाथ सिटी में जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब घूमने के लिए। तो यहाँ से ही हमने एक रिक्शा बुक की है जो कि पर पर्सन 100 रुपीज़ लेगी और हम लोग 4 लोग हैं तो 400 जितना ही होगा। तो उसके साथ हम पूरा सिटी एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं भालका तीर्थ। भालका तीर्थ वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण भगवान का मतलब कृष्ण भगवान ने अपनी अंतिम लीला की थी। यहीं पर जरा नाम के शिकारी ने कृष्ण भगवान के पैरों में बाण मारा था हिरण समझ के और भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से धरती का त्याग किया था। तो चलो यहाँ पर दर्शन करते हैं, बहुत ही भव्य मंदिर है। ये रहा, ये है भालका तीर्थ का मंदिर। चलो अभी अंदर चलते हैं, दर्शन कर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का अंत तो नहीं कर सकते, पर हाँ अपने भक्तों की विनती ज़रूर सुन सकते हैं और उसे न्याय भी कर सकते हैं। इसीलिए श्री राम के स्वरूप में जब उन्होंने बाली का वध किया था छिपकर, तो उसे वरदान भी दिया था कि आने वाले जन्म में तुम पारधी बनकर मेरे प्राण हरोगे। उसी वरदान को पूरा करने के लिए यहाँ भालका तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण जब अपने पैरों पर पैर रखकर आराम कर रहे थे, उसी समय जरा नाम के पारधी ने उनके पैरों पर तीर मार दिया जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राणों का त्याग किया। सो ये था भालका तीर्थ का दर्शन जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम लीला की थी। तो यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट जगह पर और नेक्स्ट जगह पता नहीं क्या है, अभी पता चलेगा, वो तो हमारे रिक्शा वाले भैया ही बताएंगे। और ये है धूप से बचने का रामबाण इलाज, है ना विशाल? धूप से बचने का हम मेडल। सो अभी हम जा रहे हैं बाण गंगा। Meanwhile, सो अभी हम लोग आ चुके हैं बाण गंगा शिवलिंग पर। कहा जाता है वो जो जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तीर चलाया था, जहाँ अभी हम लोग भालका तीर्थ में जाके आए, वो बाण जो है वो उसने यहीं से चलाया था, इसीलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। यहाँ पे 2 स्वयंभू शिवलिंग है जो कि सुबह के टाइम पे ऐसा बता रहे थे जब हमने पूछा कि यहाँ तक पानी था, पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था और अभी वो ऊपर आ चुके हैं। तो चलो उनके दर्शन कर। ये देखो समंदर, ये रहा एक शिवलिंग और दूसरा वाला शिवलिंग वो उधर है, वो रहा बाण गंगा। यहाँ पे भगवान शिवलिंग है तो चलो वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं। तो ये है बाण गंगा। माना जाता है जरा नाम के जिस पारधी ने भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा था वो यहीं से मारा था। ये हो गया एक शिवलिंग का पूजा, अब करेंगे दूसरे वाले।
तो ये लोग कब से इधर टाइम पास कर रहे हैं, इसके अंदर शंख ढूंढ रहे हैं और ढूंढने के चक्कर में और कुछ ढूंढ लिया। ये रहा बाण गंगा और यहाँ से एग्जैक्ट सामने देखो, ये देखो ये वाला, ये सोमनाथ महादेव जी का मंदिर है, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे है समंदर। सो फाइनली हमारा यहाँ बाण गंगा में दर्शन पूजन सब हो गया और अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे। तो चलो क्या जाइस हुआ है नेक्स्ट आपड़े गोलोक धाम। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में चले गए थे और यहाँ पे उनके चरण पादुका है और भी अलग अलग लक्ष्मी नारायण जी के, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर है। तो चलो उनके भी दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो ये है गोलोक धाम। मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण को पैरों में तीर लगा तब उन्होंने यहीं पर आकर अपने प्राणों का त्याग किया था और यहीं से वे सीधा गोलोक धाम में पहुंच गए थे। इधर है बलदेव जी का मंदिर और बलदेव जी की गुफा, चलो इसमें जाके आते हैं। बलभद्र भगवान की जय हो। तो यहाँ पे किए हमने लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन और अब जय महादेव। और अभी हम लोग बस यहाँ पे घूमते हुए, इतना बढ़िया लग रहा है ना, मतलब मंदिर ही मंदिर और बहुत ही बढ़िया मतलब फील आ रहा है। अभी आगे जा रहे हैं महाकाल बाबा का समथिंग मंदिर है, किसी का मंदिर है आगे, और भी इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर है नदी और यहाँ पे है मेरे औघड़ मित्र हैं। क्या होता है, औघड़ भोला नाम, भोलेनाथ जी का नाम है। हर जगह पेमेंट मैं ही कर रहा हूँ फिर भी मैं लूट रहा हूँ। नहीं वापस कर रहे हैं, नहीं यार ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा मत सुनो, गलत बोला मैंने, गलत। ये है भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुकाएं। सो ये था गोलोक धाम का दर्शन। अब और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत ही बढ़िया दर्शन हो रहा था। सो अभी हम जा रहे हैं हिंगलाज माँ की गुफा में यहाँ गोलोक धाम से। तो चलो वहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ही मस्त था। तो चलो A few inches later. और अभी हम पांडवों और हिंगलाज माता की गुफा की ओर आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ये पूरा स्ट्रीट है और सामने ही त्रिवेणी संगम भी है। तो पहले गुफा में दर्शन करेंगे फिर त्रिवेणी संगम पे जाएंगे। सूर्यदेव ने छाया माता। सो यहीं पे मंदिर के पीछे मौजूद है सूर्य कुंड। मान्यता के अनुसार यह सूर्य कुंड महाभारत काल से यहाँ पर मौजूद है। सो अभी ना हम लोग सोमनाथ के सूर्य मंदिर की सूर्य गुफा में है। यहाँ पर है सूर्य कुंड, ये रहा। Oh,
जय हो प्रभु जय जय गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ये पूरा गुफा है और यहाँ पे हमने कर लिया दर्शन। चलो अब बाहर निकलते हैं। भोलेनाथ की जय। तो हिंगलाज माता के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर, और यहाँ पर तीन नदियों का संगम हो रहा है और बहुत सारी सीगल्स हैं यहाँ पर। चलो दिखाता हूँ मैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो त्रिवेणी संगम घूमने के बाद हम आ गए हैं शारदा पीठ में कामनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। सामने देखिए कितना भव्य सा मंदिर आपको दिख रहा है। तो चलो चलते हैं यहाँ पर और भगवान जी की पूजा अर्चना करके आते हैं। सो ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं और हमारा जो ये सोमनाथ का सारा मंदिर घूमने का सिलसिला था बस ख़त्म ही होने वाला है। तो अभी तो यहाँ पे दर्शन करेंगे कामनाथ महादेव जी के और फिर चलेंगे सोमनाथ में वापस। सो अभी हमने यहाँ पे शारदा मठ में दर्शन किया और इतना सुंदर मंदिर है, महालक्ष्मी जी का मंदिर है, महासरस्वती जी का मंदिर है, आदि शंकराचार्य जी का मतलब गुफा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य दर्शन हुआ हमारा। अंदर मैं वीडियोग्राफी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं दर्शन कर रहा था और पूजा कर रहा था, जितना बना उतना मैंने आपको दिखाया। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं आगे। तो चलो सो शारदा मठ में दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। और अयोध्या में नहीं, हमारे सोमनाथ में ही राम मंदिर है, वहाँ पे भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। और ये मंदिर जस्ट ये रहा, ये आ गए हम लोग राम मंदिर में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरा बोलना धन्य। मैं आपको यहीं से दर्शन करा रहा हूँ, इसको हम अंदर नहीं जाएंगे। ये मंदिर बनवा भाई। सो अभी हम लोग ना पूरा सोमनाथ के सारे मंदिरों को घूमकर आ चुके हैं वापस यहाँ पे ही लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर पे। सो हम जा रहे थे बीच पर उसके पहले लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है वो 7 बजे ही बंद हो जाता है, तो 6:30 हो रहे हैं। तो पहले हम लोग जा रहे हैं दर्शन कर लेने के लिए। ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, पूरा साउथ के स्टाइल में बना है। तो चलो दर्शन करके उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बीच पर सोमनाथ के, और यहाँ पर अगर आप 7 बजे से पहले आते हो तो आपका एंट्री फ्री रहता है। 7 बजे से पहले आप फ्री में पूरा बीच एक्सप्लोर कर सकते हो। पर 7 बजे के आने का साइकिल का अंदर है, वीडियो बना। 7 बजे के बाद आपके टिकट चार्जेस लगते हैं और हमारे 10 रुपये का टिकट साइकिल 10 रुपये का पर पर्सन का टिकट लगता है। तो अभी हम लोग टिकट लेकर अंदर आ चुके हैं बीच पे और बहुत ही बढ़िया ये पूरा बीच आ गया। और यहीं पर जस्ट टिकट लेने के बाद आपको 10 रुपये की साइकिल मिल जाती है। अच्छा से बीच पे आप साइकिलिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलो बहुत सालों बाद मैं साइकिल चलाऊंगा। सो यहाँ बीच पर हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया साइकिलिंग वगैरह की, जो कि मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। यहाँ से आप पूरा का पूरा मंदिर देख सकते हैं बहुत, और फोटो भी ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखता है, शानदार व्यू आता है। सो यहाँ पे हमको हो चुका है लेट, हम लोग अभी बीच एक्सप्लोर क्या बीच पे साइकिलिंग कर रहे थे और लेट ये हो चुका है कि मतलब अभी हमको जाना है अंदर लाइट और आरती के लिए, लाइट शो और आरती के लिए। तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी अपने आप काम करो क्योंकि हम दर्शन करने गए ना वहाँ पे मंदिरों में आराम से मतलब दर्शन कर रहे थे। तो आप अपने दर्शनों वगैरह को ना मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म करें। तो अभी चल रहे हैं हम लोग लाइट शो देख। सो रात का टाइम हो गया है, पानी पूरी खाते हैं नहीं अभी कुछ नहीं। और इतना सुंदर मंदिर का आ रहा है। सो हुआ ऐसा है कि लाइट शो में बहुत भीड़ है और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं पानी पूरी, क्योंकि कुछ भी हो पानी पूरी नहीं छूटनी चाहिए।
6.5 hours later. So finally guys, हम लोग हो चुके हैं फिर से रेडी, जैकेट वगैरह चला लिया, बैग पैक कर लिया. अभी सोमनाथ का ट्रिप जो है हमारा यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं और यहाँ से शुरू कर रहे हैं नया ट्रिप. तो कैसे शुरू कर रहे हैं चलो चल के बताते हैं, ठीक है. तो सोमनाथ का ट्रिप तो अभी यहाँ पे एंड हो जाने वाला है, नीचे जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं और देखने क्या होता है. तो अभी हम लोग यहाँ सोमनाथ से जा रहे हैं वृंदावन के लिए और वहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं द्वारका के लिए. तो माहौल कुछ ऐसा बना है कि टिकट्स विकेट्स ना हमारी बुक नहीं हो रखी हैं, तो वहाँ पे जाके हमको पता लगेगा कि हमको जाना कैसे है. तो चलो वो सब तो आपको मैं दिखाऊंगा ही, कैसे गए कैसे नहीं गए, और उसके सिवा भी बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज बताऊँगा जो हमारे साथ अभी तक हुई है घटित. A few moments later. So finally, हम लोगों का अभी टिकट हो गया है बुक और हम जाने वाले हैं द्वारका. तो अब जो व्लॉग की मतलब शुरू हो गए वो होंगे द्वारका के व्लॉग और अब होगा बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट. तो हम सोमनाथ से ना इधर वेरावल बिना खाए आ गए थे, तो अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए क्योंकि हमारा टिकट नहीं हुआ था ना, टेंशन बहुत थी. अब टेंशन नहीं है, अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए. क्या बोल रहे विशाल भाई, क्या पैसा कुछ खर्चा हो गया ऐसा कुछ बोल रहे हो ना? नहीं तो भाई विशाल तो चलो अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए.